हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लेजी राइडर एंड टीवीएस अपाची आरआर 300 पर हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे थे, ठीक है। बट फिर भी हमारा अभी जस्ट रिसेंटली 15,000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो कि 15,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हमने, 15,408 किलोमीटर हो चुका है। एंड उसके बाद फिर हमने रिसेंटली वीडियो बनाया था 1 ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट का, जो कि आप देख सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लोग 15,000 किलोमीटर का एक प्रॉपर रिव्यू देंगे, कैसा है हमारा एक्सपीरियंस रहा। मेरा फ्रेंड ने, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ, वो पीछे बैठा हुआ है, ये देखो, ये पीछे बैठा हुआ है कैमरा लेके एंड क्वेश्चन लेके, आप देख सकते हो उसके हाथ में क्वेश्चन एंड वो कैमरा लेके पीछे बैठा हुआ है। एंड मुझे उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्या क्वेश्चन उसने प्रिपेयर किया। ये पूरा एक रॉ फॉर्मेट पे होने वाला है वीडियो, एक ऑनर का क्या एक्सपीरियंस रहता है एक बाइक को लेके, RR 300 को लेके मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। ऑल्दो वो इस बाइक ने 15,000 जितना चला उसने भी चलाया, मैंने दोनों मिलके चलाया, बट फिर भी मैं आपको एक ऑनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में। एंड जो भी आपको जो भी रिलेटेड क्वेरी रहेगा उसका, अगर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा हो तो मैं डायरेक्ट आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। एंड सॉरी थोड़ा बाइक गंदा है, बारिश का मौसम है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन का सेशन। तो मेरा दोस्त अब क्वेश्चन पूछेगा। ऑल दो ये क्वेश्चन प्लान नहीं था, बट एक बात मेरे को जनरली पूछना है कि हर वीडियो में बाइक गंदी क्यों रहती है आपकी? अरे देखो, बारिश का सीजन है यार, बाइक गंदा नहीं रहता हर वीडियो में हमारा, ठीक है। कोई भी ऐसा वीडियो शायद ही हो जिसमें बाइक धुली हो, चमक रही हो, ठीक है। आप देखो, ऐसा प्लान वीडियो होता नहीं, जब मन किया तब वीडियो बना लेते हैं। अच्छा, बट बारिश का सीजन है अभी, तो थोड़ा गंदा है। बारिश के बिना, बारिश जब नहीं होती तो बाइक साफ रहती है। अब हम लोग सीरियस क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इसका कैसा रहा, कैसा तुमने फील किया, ये बताओ मेरे को। ब्रेक मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगता है। देखो, RC 390 इसका ब्रेक बिल्कुल सिमिलर है, बट इसमें मोड्स के अकॉर्डिंग ब्रेक एडजस्ट होता है। ABS को गाड़ी ECU के थ्रू एडजस्ट करता है ABS को, तो जिसमें कि अलग अलग मोड्स में मुझे अलग अलग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलते हैं। बट मैं फिर भी कहूँगा कि जैसे RC 390 भी है हमारे पास, तो उसके लेवल का तो नहीं है, बट कम भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि वो बुरा हो, बट कम भी नहीं है। एंड इसके लिए आप हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके हैंडलिंग की। तो ऑल दो ये बाइक 175 kg की है, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि सिटी में चला रहे हो तो आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फील हो रहा है? क्योंकि ये देखने में बाइक बल्कि है, एंड RR 310 के साथ ये कंप्लेन हमेशा से रहा है कि वो काफ़ी बल्कि लगती है अपने CC के हिसाब से। तो कोई हैंडलिंग आपको इशू या प्रॉब्लम हुआ है? देखो, RR 310 का जो लुक है, जो डिज़ाइन है, जो बल्कि इसका लुक है, वो कभी भी कंप्लेन तो नहीं है कि ये थोड़ी बल्कि लगती है। ये हमेशा एक बिग बाइक का फील देता है। आपने हमेशा सुना होगा कि एक बिग बाइक का फील है इस बाइक में, कि लगती नहीं है कि 300 सेगमेंट बाइक है। एंड टू बी ऑनेस्ट, हैंडलिंग बहुत अच्छी है इसकी, कभी भी कभी भी कोई इशू नहीं हुआ हैंडलिंग को लेकर, चाहे वो सिटी में हो, हाईवे पे हो, या 100 के स्पीड पे हो, या 150 के स्पीड पे हो, या 50 के स्पीड पे हो, कभी भी कोई इशू नहीं इसके हैंडलिंग में, बहुत अच्छे। अकॉर्डिंग लीन करने में कोई प्रॉब्लम आपको फील हुआ? नहीं, मुझे लीन करने में इस पर इस पर बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, बहुत इसमें देखो, हैंडलिंग का ही सिर्फ रोल नहीं होता है, टायर का भी रोल होता है, बॉडी वेट का भी रोल होता है, और बॉडी वेट का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, एरोडायनामिक डिजाइन, ये सब भी सब पे डिपेंड करता है। तो लीन करने में मुझे काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा। लाइट्स का एक्सपीरियंस इस बाइक में, सारे ऑल LED लाइट्स आते हैं, तो जो मेन हेडलैम्प है इसका, उसका प्रोजेक्शन कैसा रहा? रात में आपने बहुत ट्रैवल किया होगा, तो लाइट, टू बी ऑनेस्ट, सेगमेंट में कोई नहीं है, ठीक है। इस 3 लाख, 3.5 लाख का बाइक आता है, तो इस सेगमेंट में कोई नहीं है, कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं है इसके लाइट के प्राइस में भी। प्राइस में 26,000 का ये लाइट आता है, ठीक है, तो प्राइस में भी ये बात प्राइस में कॉस्ट। पावर परफॉर्मेंस इस बाइक का आपको कैसा लगा? पावर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू CC काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर कोई भी मोड्स के अकॉर्डिंग इसका पावर चेंज होता है, अर्बन एंड रेन में कम पावर होता है, एंड ट्रैक एंड स्पोर्ट्स में फुल पावर होता है, तो पावर काफ़ी अच्छा है 300 CC के अकॉर्डिंग, बट इसका कंपेयर हमेशा 390 से किया जाता है, तो 390 के कंपेयर में इसका पावर बहुत कम है, अप्रॉक्स 10 BHP का फ़र्क है। एंड जैसे बाइक आपने इतने किलोमीटर चलाई है, तो 150-160 ले ही गए होगे कभी ना कभी, इस बात ऑफ द रिकॉर्ड्स, ये सब कट कर देना। तो उस टाइम पे जब आप हाइयर स्पीड पे हो, तो इसका परफॉर्मेंस कभी आपको फील हुआ कि स्पीड गेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है ऐसा?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 150 तक तो ये काफ़ी आराम से चली जाती है, बहुत आराम से। एंड 150 के बाद 160 भी अगर जाना हो तो लाइक उतना इशू नहीं होता है अगर, लेकिन हाँ एक लॉन्ग स्ट्रेच रोड चाहिए होता है। अच्छा। तो उस पर थोड़ा। उसके बाद अगर बात करें, इसमें चार मोड्स आते हैं। हाँ। तो क्या वो प्रैक्टिकल हैं, क्या आपने वो यूज़ किया, ट्रैक मोड, रेन मोड, उसके बाद अर्बन मोड एंड स्पोर्ट्स मोड, तो आपको वो यूज़फुल लगा या TVS ने बस एवी वो दे दिया है? नहीं, वो पर्सनली मुझे बहुत यूज़फुल लगा, लाइक रेन, अर्बन, स्पोर्ट्स, ट्रैक, जो भी हो, मैं इसे दो ही कैटेगरी में मानता हूँ, अर्बन एंड स्पोर्ट्स, दो ही का बात करते हैं। रेन भी अगर रेनी सीजन है तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बट अर्बन में क्या होता है, या अर्बन या रेन में, कि GTTV हमें मिलता है, लाइक अगर हम लोग सिटी में हो तो लाइक अगर हाथ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा हो, लाइक इसका जैसा पोस्चर है, ठीक है, तो हाथ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर पड़ रहा हो तो आप थोड़ा सा हाथ को रिलैक्स दे सकते हो, आप GTT के थ्रू आप थोड़ा मतलब अपने बाइक को चला सकते हो। GTT पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आपको GTT के बारे में जाना हो तो पूरा वीडियो देख सकते हो। एंड स्पोर्ट्स एंड ट्रैक में आपको फुल पोटेंशियल मिलता है, आप हाईवे पे लाइक उड़ जाओ, ठीक है। ओके। तो वो है। तो स्पोर्ट्स और ट्रैक को अलग मतलब क्यों ही किया गया है मोड? ABS लाइक हर एक मोड में ABS का ट्यूनिंग अलग होता है, पावर भले दो मोड में सेम हो और दो मोड में अलग हो तो वो अलग चीज है, बट बेसिकली वो ब्रेकिंग पे मतलब ब्रेकिंग के लिए वो है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी Q&A हो, कोई भी बाइक्स की बात हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होता है माइलेज क्या होगा इस बाइक का, तो माइलेज से क्या आप सेटिस्फाइड हो इस बाइक के? माइलेज के लिए पूरा वीडियो बन चुका है, दो वीडियो बनाया था हमने, एक लाइक फुल स्पीड पे एंड एक नॉर्मल, एक एवरेज स्पीड 60-70 पे, उसका वीडियो आप देख सकते हो। एंड माइलेज का बात करें तो अभी तक लाइक इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट माइलेज लगा मुझे, मतलब लाइक मेरे पास SD एडवेंचर है, RC 390 है एंड ये RR 310, ठीक है, क्योंकि 300 सीसी में आप ऑलरेडी दो बाइक और ऑन करते हो, इसके अलावा 300 सीसी या 400 सीसी में तीन बाइक है मेरे पास एंड तीनों बेस्ट इन द सेगमेंट बोल सकते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। बट माइलेज की बात करें तो RR 310 का माइलेज टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत मतलब लाइक सोचना नहीं है माइलेज के लिए, ठीक है, ऐसा इसका माइलेज है लाइक वर्स्ट के सिनेरियो में भी लाइक कि मतलब इतना घटिया रोड हो या इतना ट्रैफिक हो फिर भी ये गाड़ी 25-30 का माइलेज दे देती है, जो कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि कम हो, बट एक 300 सीसी के बाइक के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होता है एंड नॉर्मल रोड पे तो ये 35 प्लस दे ही देती है। एंड सिटीज में आपने बता ही दिया। हाँ। सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस बाइक को लेके? देखो सर्विस एक्सपीरियंस तो मेरे अकॉर्डिंग City to City वेरी करता है, ठीक है, लाइक मैं दो सिटी में ही मेरा आना जाना लगा रहता है, एक जो मैं अभी दरभंगा में हूँ, एक मुजफ्फरपुर जो यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। क्या डिफरेंस पड़ता है दोनों जगह सर्विस कराने से? हाँ, तो मेरे ओपिनियन में ये रहेगा कि लाइक सिटी टू सिटी ये सर्विस एक्सपीरियंस डिफर करता है, ठीक है, लाइक मैंने दरभंगा में काम कराया, उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर जाता हूँ तो मुजफ्फरपुर में मुझे बेटर लगता है सर्विस, तो ये सर्विस के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा क्योंकि सर्विस सिटी टू सिटी वेरी करता है कहीं ना कहीं, कि कुछ सिटी में अच्छे सर्विस मिलते हैं कुछ सिटी में लाइक काम चलाओ मिल जाते हैं। मतलब ऐसा कुछ गड़बड़ एक्सपीरियंस रहा हो आपको कोई भी सिटी को, आप स्पेसिफाई मत करो, सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ओके, लाइक कहीं और भी अगर मैंने काम करा, नॉट इन द सेंस दरभंगा, कहीं भी तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला लाइक कि मुझे वहाँ अच्छा लगा, वही मैं मुजफ्फरपुर में करवाता हूँ, मुजफ्फरपुर में पर्टिकुलर विवान TVS है, okay. तो उसमें मैं हमेशा वही सर्विस होता है इसका, जो भी सर्विस होता है वही होता है, तो मुझे वहाँ लाइक जो भी मैं प्रॉब्लम लेके जाता हूँ उसको रिजॉल्व करके और दिया पर्टिकुलर जाता हूं। अगर इस बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, और कई लोग मतलब TVS की बाइक इसलिए लेते हैं कि ये हर जगह अवेलेबल है, आप माउंटेन्स पे गए और इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हर सर्विस सेंटर TVS RR 310 की सर्विस करने के लिए कैपेबल है? नहीं, हर सर्विस सेंटर में लाइक TVS का शोरूम आप जहाँ जहाँ देखते हो वहाँ हर जगह TVS का सर्विस सेंटर मतलब RR 310 का सर्विस अवेलेबल नहीं होता है, सिलेक्टेड जो TVS के शोरूम होते हैं, जो प्रीमियम डीलर बोलो या ऑथराइज डीलर, जो भी जो बड़े वाले होते हैं तो उनके यहाँ सर्विस होता है, क्योंकि इसके लिए अलग सर्विस का बंदा रखना होता है एंड अलग सर्विस का डेक रखना होता है जिसपे कि सिर्फ RR 310 ही सर्विस होता है। अगर कोई दूर गांव वाँव में रहने वाले, जैसे मेरा घर खुद बहुत दूर पड़ता है मेन सिटी से, अगर ऐसी बाइक हम ले लें और ये सोचे कि हमारे लोकल TVS जो मतलब हैं सर्विस सेंटर्स वही कर देंगे तो ये शायद नहीं, ये गलत होगा, पॉसिबल नहीं है ये, लाइक हर सर्विस सेंटर में नहीं हो सकता। अब बात करते हैं वियर एंड टीयर थिंग्स की, जैसे ब्रेक पैड्स हो गए, टायर्स हो गए, या जो भी चीज़ें पार्ट टू पार्ट आपका वो चेन क्या बोलते हो उसको, ब्रास कोटेड चेन, ब्रास कोटेड
स्पोकेट चेन हो गया, चेन स्पोकेट का जो ये मतलब वियर एंड टियर चीजें जो भी हैं, क्या वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती हैं, क्योंकि ये प्रीमियम बाइक है? देखो यार, ये सब तो लाइक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कैसे चलाते हो. जैसे कि लाइक मेरे ही कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि 5000 किलोमीटर पर उसे ब्रेक पैड चेंज करना पड़ा. Exactly. एंड मेरा अप्रॉक्स 11000 पे रियर ब्रेक पैड चेंज हुआ था. एंड अब फोर्थ सर्विस होगा 15000. हाँ, उसमें 15000 पे मतलब अब होगा 15000 कंप्लीट हो गया तो फोर्थ सर्विस होगा जो पेड है, उसमें मेरा फ्रंट मतलब रियर ब्रेक पैड चेंज होगा. अभी तक मैंने नहीं चेंज करवाया था एंड मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था. एंड टायर का बात करें तो वो भी आपके ऊपर है कि आप कैसे चलाते हो. मेरा टायर का कंडीशन मेरे ख्याल से लाइक अभी और कितना चल सकता है आपके अकॉर्डिंग? 3000 और चल सकता है. 3000 और चल सकता है, मतलब 20000 तक मैं चला सकता हूँ. रियर टायर भी ठीक है, कंडीशन है, 5000 और चलेगा. मतलब इसमें रोड मिशलिन 5 आता है. तो अब जब ये टायर आपके खराब होने वाले हैं, तो क्या आप वापस चेंज करके यही डलाने वाले हो या कोई दूसरे टायर पे जाने वाले हो आप? देखो, प्रायोरिटी तो रहेगा मिशलिन रोड 5 ही मैं लगाऊं, बट अगर कोई बेटर ऑप्शन मिले लाइक अपोलो का कुछ टायर्स होते हैं, लेकिन बस वही है कि उसका प्राइस भी फिर इंक्रीज होता है. ओके, ठीक है. रोड मिशलिन रोड 5 11000 to 12000 में मोस्टली मिल जाते हैं, ठीक है. वैसे उसका नॉर्मल प्राइस 15000 होता है, दोनों का बात मैं कर रहा हूँ. एंड कोई अगर अपोलो का भी टायर कुछ अच्छे आते हैं, बट मिशलिन के साथ एक ट्रस्ट है, काफ़ी मुझे इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा. पॉपुलर कंपनी भी है, बड़ी कंपनी है. एंड उसके बाद मैंने एक बार बर्नआउट भी मारा था, तो उससे कोई इशू नहीं हुआ, एक ही बार मारा था, छोटा सा था. ओके, अब बात करते हैं जब से ये बाइक लॉन्च हुई है तब से ये क्वेश्चन दौड़ ही रहा है, इसके साथ ही रिवॉल्व हो रहा है, वाइब्रेशन समझिए. वाइब्रेशन यार है गाड़ी में. मतलब जैसे क्या ये मतलब बाइक आपको इसलिए छोड़ देनी चाहिए कि इसमें बहुत वाइब्रेशन है? नहीं, वो किस पर्टिकुलर स्पीड पे आपको फील होता होगा? 100 प्लस पे अगर कंटिन्यू मान लो चल रहे हैं तो तब वाइब्रेशन फील होता है. एंड हमेशा कोई भी इंसान 100 प्लस तो नहीं रहेगा, हमेशा पॉसिबल नहीं है. एंड पॉसिबल है अगर आप लाइक एक्सप्रेस वे पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, तो 100 प्लस कंटिन्यू चल सकते हो. तो ऐसा होता है कि रिस्ट में बहुत दर्द हो जाता है या बॉडी वाइब्रेशंस के कारण थोड़ा एबनॉर्मल फील होता है? हाथ पे थोड़ा फील होता है. हाथ पे फील होता है. बॉडी में नहीं है, हाथ पे थोड़ा फील होता है. एंड 100 प्लस के बाद ही एंड 80 to 90 तक काफी स्मूथ है, बहुत स्मूथ बाइक है. 80 तक तो मक्खन है. 80 के तक तो. एंड BMW का इंजन भी आता है तो यार रिलायबिलिटी आपको मिल जाती है. BMW का इंजन है बट ठीक है, अच्छा है. अगर हम लोग अब BMW की बात छेड़ी दी है तो हमने ये बताया आपने BTU एडिशन लिया है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम थी BMW वाले R310 के हिसाब से, तो एक बात बताइए आपने TVS को क्यों चुना? देखो, पहली बात तो कि मैं बिहार से हूँ एंड कोई भी आप बाइक परचेज करते हो तो उसका कहीं ना कहीं एक मेजर रोल होता है सर्विस सेंटर का. एग्जैक्टली, तो बिहार में सर्विस सेंटर नहीं है. नियरेस्ट सर्विस सेंटर जो यहाँ है वो रांची झारखंड में एंड लखनऊ में है. तो मुझे कोई भी इशू होगा तो या तो मुझे रांची जाना पड़ेगा या लखनऊ जाना पड़ेगा. BMW तो ये क्लेम करती है कि आपको होम सर्विस देती है. होम सर्विस देने पर प्राइस इंक्रीज हो जाती है पहली बार. जहाँ इसका सर्विस कॉस्ट मुझे 2000 पड़ रहा है पर सर्विस फ्री वाला, वो वहीं पर BMW का 7 to 8 to 9 जो भी हो अपना चला जाता है. एंड देखो यार, फेयर्ड बाइक है, कहीं ना कहीं वो सटेगा, कहीं ना कहीं स्क्रैचेस आएंगे, ये तो फिक्स है फेयर्ड बाइक में. तो मैं पार्ट्स के लिए कहाँ दौड़ूंगा फिर. एंड दूसरी बात कि BMW प्राइस बढ़ा के दे रही है, ठीक है. इस जितना में मेरा BTO आ जा रहा है, BTO के साथ ही बाइक आ जा रहा है, उससे भी कॉस्टली थी BMW की बाइक. एंड ऐसा भी नहीं है कि BMW में सब कुछ नया दिया है जो इस बाइक में है. BMW में उसमें बहुत कुछ नहीं है. जैसे मिशलिन रोड 5 BMW में नहीं है, इसमें पेटल डिस्क है, BMW में प्लेन डिस्क है. मतलब अच्छी कंपनी होने के साथ भी उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स आ चुके हैं. डिमेरिट्स नहीं बोलेंगे बट अपडेट नहीं है, वो अपडेटेड नॉच नहीं है जो प्राइस आप पे कर रहे हो. अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला इसे बहुत लोग स्पोर्ट्स टूरर सेगमेंट में समझते हैं कि भाई इसका पोस्चर बहुत सही है, आप लॉन्ग टूर कर सकते हो उससे. तो एक बात बताओ आप, क्या इसका पिलियन सीट जो है, आपने कभी किसी पिलियन को बिठा के बहुत लंबा टूर किया है, ट्रिप्स किए हैं? और क्या वो इतना मेरा हिम्मत नहीं हुआ कि मैं ये रिस्क लूं, तो आधे रास्ते में उसको वापस भेजना पड़ेगा, ठीक है. सिंगल मैंने किया ट्रिप, दार्जिलिंग ट्रिप किया था अभी तक इस पे, जो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वो चैनल पे अपलोडेड ही है. वो अपलोडेड है. 4 दिन का वो ट्रिप था, चारों दिन मैंने यही बाइक चलाया था प्रॉपर. मतलब लाइक 1000 किलोमीटर का ट्रिप था 4 दिन का. मतलब पिलियन बिठा के आप नहीं प्लान करना चाहोगे ट्रिप इस बाइक पे? अगर लॉन्ग ट्रिप आप सोच रहे हो तो शॉर्ट राइड्स तो ओके हैं. तो आपको रोड असिस्टेंस की फैसिलिटी TVS देती है, तो क्या आपने कभी ट्राई किया है, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी हुई है आपके साथ?
देखो मेरे साथ तो अभी तक रोड साइड असिस्टेंट का नौमत नहीं आया है, मतलब लाइक मुझे अभी तक ज़रूरत फील नहीं हुआ रोड साइड असिस्टेंस का, क्योंकि लाइक अभी तक बाइक में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। एंड यूट्यूब पे अगर हम देखें तो बहुत सारे वीडियोस है जिसमें बाइक स्टार्ट नहीं होती है। हाँ, कोल्ड स्टार्ट में प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ रहा है कि लाइक एक सेल्फ में स्टार्ट नहीं हुआ हो, वो दो तीन बार सेल्फ लेके स्टार्ट करना पड़ता है वो, बट वो कम प्रॉब्लम है। इंश्योरेंस वगैरह कभी अगर आपके बाइक पे क्लेम हुई हो छोटा मोटा या ज़्यादा, क्या ये प्रोसेस जो है वो हेक्टिक है या बहुत इजी है? आप गए एजेंसी में आपने बाइक लगाई एंड वो सारा प्रोसेस खुद कर देते हैं? इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस तो इजी है, ठीक है, बट प्रोसेस बहुत इजी है इंश्योरेंस क्लेम का। आपको बस कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, देने हैं एंड हो गया इंश्योरेंस क्लेम। और ऐसा कुछ तो नहीं होता कि उस टाइम वो कंडीशन अप्लाई करें कि इतने, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। okay. वो आप जाएंगे, वो इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे, उनका जो भी अपना प्रोसेस हो वेरिफिकेशन के लिए कंपनी वाले जो भी भेजते होंगे बंदे वो चेक करते हैं। एंड उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आता है कि इंश्योरेंस क्लेम आपका हो गया एंड ये बाइक का पार्ट हर सर्विस सेंटर पे अवेलेबल नहीं होता है। okay. मतलब जिनके जिस सर्विस सेंटर में इसका सर्विस भी होता है उसमें भी अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो वो पार्ट्स ऑर्डर होते हैं एंड वो पार्ट्स ऑर्डर होके आते हैं प्रॉपर, तब जाके आपको ये बाइक मिलेगा। तो इस ये प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है? देखो मिनिमम 15 से 20 दिन, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना। अच्छा, तो ये एक मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है कि आपको बाइक छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, exactly. अगर कोई ऐसा हो गया कि बाइक आप चला नहीं सकते हो तो आपको एजेंसी में या घर पे रखनी होगी बाइक को, एंड इंश्योरेंस क्लेम का है तो आपको एजेंसी में ही छोड़नी होगी मोस्ट प्रोबेबली। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो बहुत रिपीटेटिव रहा हो, आप एक बार गए सर्विस सेंटर में, आपने कंप्लेन किया, उन्होंने मतलब अपना सारा वो कर लिया, आप घर है, तब भी आपको ऐसा कोई रिपीटेटिव प्रॉब्लम कोई फेस किया इस बाइक को लेके आपने कभी? अब तक तो नहीं, तक तो नहीं, बस वही जो सेल्फ का जो स्टार्ट करने वाला है कि एक बार किए तो वो नहीं होता, दो तीन बार करने पर हो जाता है, ठीक है, और उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीटिंग इशू इस बाइक का क्या मेजर प्रॉब्लम है? मतलब नहीं, हीटिंग तो है ही नहीं, है ही नहीं मेरे नजर में, हीटिंग नहीं है क्योंकि अगर क्योंकि आपने और बाइक्स चलाई हैं जो ज्यादा हीट होती हैं, जैसे एसडी एडवेंचर हो गया, केटीएम आरसी, बट अगर कोई बंदा है जो डायरेक्ट 160 हर मतलब कम सीसी से इस पे आता है तो उसे तो लगेगा कि हीटिंग इशू है क्योंकि उसके पैरों पे थोड़ी बहुत हीट रिलीज होगी, तो वो ट्रैफिक में, ओके, मतलब सिटीज में ट्रैफिक में वो भी एक्सट्रीम, मतलब लाइक तकरीबन 15-20 मिनट तक आप ट्रैफिक में फंसे हो तो इंजन हीट होती है, इंजन हीट नहीं होती, बेसिकली कूलेंट ऑन होता है, कूलेंट फैन ऑन होता है, लिक्विड कूल इंजन है तो उसके लिए, बट वो कूल करके बहुत जल्दी ठंडा। माउंटेन्स में भी ले गए हो बाइक को, हिल्स में भी ले गए हो तो इंक्लिनेशन पे क्या इसका मतलब हमेशा वो फैन ऑन रहता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं BTO एडिशन की, ये वैसे ही बहुत पॉपुलर चीज है, तो क्या आपने कभी यूज किया है BTO? मतलब जैसे उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन आते हैं, आपने वो सारी फीचर्स कभी यूज किए हैं? ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, मतलब बहुत बार पूछा गया एंड टू बी ऑनेस्ट, मतलब सच बोलूँ तो एडजस्टेबल सस्पेंशन मुझे उतना यूज़ मैंने कभी नहीं यूज़ किया, जब से लिया है तब से वो एक ही एडजस्टेबल पे है, उसी पे मैंने रखा है एंड एडजस्ट करने का कभी कोशिश भी नहीं किया। ठीक है, ब्रास कोटेड चैन एक थोड़ा काम का लगा क्योंकि चैन का क्वालिटी थोड़ा बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है चैन का एंड देखने में अच्छा भी लगता है गोल्डन। हैंडल का बात करें तो हैंडल पर्सनली मुझे थोड़ा रेस ओरिएंटेड हैंडल्स या बाइक अच्छे लगते हैं, तो वो तो अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है आपका कि आप मतलब लाइक मोस्टली लोगों को कंफर्टेबल चाहिए होता है स्पोर्ट्स में, तो वो नॉर्मल एडिशन ले, वो नॉर्मल एडिशन ले तो बढ़िया रहेगा उनके लिए। मुझे हैंडल थोड़ा अच्छा लगा कि रेस ओरिएंटेड हैंडल है, थोड़ा आप टकिन रहते हो अंदर की तरफ। ऑल दो इंडियन कंपनी है TVS, तो उन्होंने जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया है दूसरे बाइक्स की तुलना में ऑन पेपर या रियल में बढ़िया दिया, ऐसा है ऑफ रोड एक्सपीरियंस बेसिकली आप बताएं तो कैसा रहा आपको? TVS जो है वो लाइक इंडियन ओरिएंटेड कंपनी है, तो इंडियन कंज्यूमर के अकॉर्डिंग वो बाइक्स बनाती है, ठीक है। आप KTM का बात करो तो KTM में 179mm का ground clearance है, इसका 180mm का है ऑन पेपर, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा बेटर है। सस्पेंशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, ठीक है, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत सारे बम्प्स पे मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, मैं निकल जाता हूँ। वहीं KTM पे प्रॉपर जैसे होता है ना सीडान कार, सीडान में ब्रेक्स अप्लाई करते सीडान में कि प्रॉपर रोक को थोड़ा टेढ़ा करके फिर ऊपर चला के फिर, तो KTM में वैसा होता है, इसमें बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से उड़ा दो। लाइक दार्जिलिंग भी मैं गया तो कोई
सारे जगह बहुत आराम से गया। कोई सस्पेंशन का परफॉर्मेंस अगर मैंने ऑफ रोडिंग पूछा है तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा ऑफ रोडिंग के मामले में भी ये गाड़ी मुझे अच्छा लगा। ऑफ रोडिंग मतलब देखो यार, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटिल बिट मतलब रोड्स थोड़ा बड़ा गड्ढे वड्ढे हैं सो उनको पार किया, या फिर दार्जिलिंग में वीडियो आप देख सकते हो कि मैंने एक चलते हुए नहर में गाड़ी भी ले गया था मैं, तो उस सब तो ठीक है नॉर्मल सा है। टिपिकल अपने इंडिया में जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं टिपिकल साइज के, क्या उनमें ये टच होता है? नहीं। तो इस हिसाब से अगर मतलब टच होता भी है तो लाइक कुछ एक्सट्रीम ऊंचे वाले ब्रेकर हो जो मैंने आज तक देखे नहीं है, जो कि शायद लाख में एक होगा तो उसमें कहीं हो सकता है, बट अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है। और मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए ब्रो। और आज के लिए तो फिलहाल मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। एक और बात मैंने देखी है, जैसे मैं खुद इस बाइक पे पीछे बैठता हूँ तो कई बार ना जैसे कीचड़ मतलब निकाले तो आपको दिख रहा होगा, टायर अगर बहुत अच्छा है मतलब दिखने में ऐसा है कि वो पूरा कवर कर चुका है, तब भी कीचड़ कैसे मतलब? अब देखो यार ये मतलब ये सीधी बात है भाई, कैसे कीचड़ पड़ जाता है? देखो मैं आगे बैठता हूँ। चलो ठीक है, मैं आगे बैठता हूँ। मेरे इतने ही क्वेश्चंस थे, अगर आपके कोई और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें कि हमने पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, हम एक और चीज़ सोच रहे हैं कि इसके जो मोड्स हैं उन सबको डिफ्रेंशिएट करके एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दो, अपने सजेशन आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंस्टाग्राम में बता सकते हो। एंड इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस मतलब जो थे ना वो मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछे गए थे, हमारे कमेंट सेक्शन के थे, एंड कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया था। इससे पता भी नहीं था बेसिकली कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला, मैंने बोला कि डायरेक्ट वीडियो में ही मैं पूछूंगा, तो इसने रॉ आंसर ही दिया है इसके हिसाब से। देखो बढ़िया फूल गिरा यार। वो सब ठीक है। एंड एक और जो पॉइंट लगा मुझे इसका, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट साउंड के मामले में कैसा है या डिजाइन के मामले में कैसा लुक है? के बारे में लोग काफी क्रिटिसाइज करते हैं कि उसका लुक अच्छा नहीं है, एंड मैं भी बोलता हूं कि टीवीएस को थोड़ा लुक इंप्रूव करना चाहिए, थोड़ा बहुत अगल बगल वाली कंपनीज को देखना चाहिए। KTM से ही ले लो भाई। खरीद लो KTM से, सस्ते में। साउंड ऑल दो तो KTM से इसकी बढ़िया है। हाँ, साउंड इसकी थोड़ा लाउड। नई वाली को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमने अभी चलाई नहीं है, ऑल दो मतलब जो नई 2024 आई है उस, मैंने सुना है उसका लाउडनेस थोड़ा बड़ा है। जो भी हो तो वो बेटर है, लाइक उसका इसका एग्जॉस्ट लाइक थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है, बट एग्जॉस्ट रीजन नहीं हो सकता है कि इस बाइक को निगलेक्ट किया जाए, बाकी एग्जॉस्ट का साउंड अच्छा है। और एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर दूं, टैंक कैपेसिटी वगैरह, अभी अब जैसे आप बहुत लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो एक बार आपने फुल करा लिया तो कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत लैग फील हुआ कि पेट्रोल पंप नहीं है भाई, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं हुआ कि ऐसा एक्सट्रीम पे नहीं आऊं कि मैं लाइक कि एक लंबे से रोड पे पेट्रोल पंप हो ही ना, बट अगर आप सच में लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हो तो लॉन्ग ट्रिप का एक रूल होता है कि आप एक एवरेज स्पीड पे चलो 70 to 80, 80 to 90, ठीक है, आप 120, 130 जाओगे तो ऑफ कोर्स माइलेज गिर जाएगा, बट कहीं ना कहीं 60 टू 80 के बीच में, अगर 60 टू 80 भी छोड़ो 70 टू 90 के स्पीड पे अगर आते हो तो नहीं, टैंक फुल होने पे ये भाई कितने किलोमीटर ऑलमोस्ट चली जाएगी? टैंक फुल पे तो लाइक मैंने पूरा खाली नहीं किया था बट पेट्रोल था तो 230-240 किलोमीटर, 250 मिल जाता है इतना तो। तो और ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे दोस्त का ख़त्म हो गया, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, एंड आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी आके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और भी आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो इस वीडियो के इतना ही, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर किसी को RR 310 लेना हो तो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।